You know the fuck it is, huh? ये किसका है साया? Divine, huh? पतली का मार मटका के हाय 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 दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। आंटी मैंने 500 रुपीज दे के ये वाला मेकअप कराया है, दूल्हा मिल जाएगा मुझे? कौन मिलेगा? तुम शादी करोगे मुझसे? हाँ शादी करूँगा। तुम शादी करोगे? नहीं, ये तो सख्त लौंडा निकला। तुम में से कोई तुम करोगे शादी? करोगे? हाँ बोलो। दरवाजा खोल दो। ओ, कहाँ पे बैठना है? चेयर में बैठूं? ठीक है। दी आप स्टार्ट कर दो। मुझे बस बोलने की देरी थी बट दीदी ने तो मेरे फेस पे गंगा जल छिड़क के पोछा लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं किया और देखो स्किन कितना सुंदर लग रहा है। आप नेक को थोड़ा सा और अच्छे से वो कर दो ना। आई हाय गले में भी पोछा लगा दिया। नेक ना बहुत ज्यादा, मैं इतना दूर से आई हूँ ना तो धूल लग गया है, अभी ठीक है। और आप बस देखो कि स्किन कितना चमक रहा है ना। दी ये क्या है? ये सीरम है। अच्छा इससे क्या होता है? सिरम लगा के दीदी अच्छी से एकदम फेशियल जैसा मसाज देंगी मुझे। दी मुझे ना कियारा आडवाणी वाला ही ब्राइडल लुक चाहिए। मैंने आपको फोटो भेजा था ना, मैं फिर से आपको एक बार फोटो दिखा देती हूँ अभी। आप बस मुझे वो सेम टू सेम लुक करके देना। मैं ना इसीलिए व्हाइट साड़ी भी पहन के आई हूँ। सिरम लगाने के बाद क्या ग्लो है यार, वाओ। दी अभी क्या लगाओगे? एक फाउंडेशन है। अच्छा ठीक है लगाओ। सिरम तक मुझे लग रहा था कि दीदी शायद अच्छा मेकअप करके देंगी मुझे, बट ये फाउंडेशन का कलर देख रहे हो? मतलब यार इससे सफेद फाउंडेशन कभी हो सकता है क्या? मेरा फेस का कलर और फाउंडेशन का कलर बिल्कुल भी दूर दूर तक मैच नहीं होता। दी थोड़ा ज्यादा सफेद नहीं लग रहा? नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। दी मुझे वही वाला लुक चाहिए प्लीज। लास्ट पे देखो ये ठीक हो जाए। एकदम ठीक हो गए तो? मेरे आईलैशेस, आईब्राउज हर एक जगह पे, होठों पे भी दीदी लगा दिया फाउंडेशन और अभी कलर देख रहे हो? कोलगेट भी मेरे दांतों को इतना सफेद नहीं करता जितना दीदी के फाउंडेशन ने कर दिया। दी यहाँ पे और यहाँ पे ना ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ ये वाला। दी यहाँ पे भी थोड़ा ब्लेंड कर दो। दी यहाँ पे नहीं करोगे? यहाँ पे कंसीलर लगा दो। अच्छा ठीक है कंसीलर ओके। इतना सारा फाउंडेशन कोटने के बाद भी बाकी था गाइस बहुत कुछ, इसीलिए भी फुल फेस में कंसीलर लग रहा है। ये फुल फेस में लगाओगे? ये कंसीलर है? हाँ। फुल फेस में लगाते हैं? हाँ। हाथों से घिस घिस के कंसीलर को पोतने के बाद फिर से बदबूदार ब्यूटी ब्लेंडर से मेरे फेस के ऊपर तबला मजाया जा रहा है। नहीं ये जगह फिर भी सही नहीं हुआ। रुको अभी घुसेरती हूँ तुम्हारे आँखों में बदबूदार ब्यूटी ब्लेंडर। अब ठीक है ओके। नहीं यहाँ पे थोड़ा लगा दो। हाँ
यहाँ पे मेरा थोड़ा स्किन कलर दिख रहा है, मतलब फुल फेस बिल्कुल गोड़ा गोड़ा हो गया है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर कलर दिखेगा ना तो कैसा ही लगेगा। मेरे फेस की एक भी जगह में मेरा रियल स्किन कलर दिखना ही नहीं चाहिए। गाइस आज के बाद से मैं गिरगिट बन गई हूँ, कभी भी रंग बदल लेती हूँ। देखो दी, एक्चुअली मेरा ये कान का कलर आप देखो और फेस का कलर देखो, बिल्कुल ना अलग लग रहा है। कॉन्टोर करोगे? ठीक है करो फिर। तो अभी हो रहा है कॉन्टोरिंग। मेरी तो पहले बहुत ही अच्छे से स्टक के कलर के कंसीलर से अच्छे से कॉन्टोर कर रही थी, देखो। बट अभी ये क्या है यार, ऐसा कॉन्टोर कौन करता है? मेरे चिन एरिया को तो देखो, और ऐसे भी आईब्रोज के बीच में कौन कॉन्टोर लगाता है भाई? गाइस पहले तो बहुत ज्यादा सफेद सफेद हो गया था, इसलिए दीदी भी कोशिश कर रही है फेस को थोड़ा काला काला बनाने का। बट अब बस देखना। तुम बंगाली? हाँ दीदी, मैं बंगाली हूँ। ये फंस गया। एक्चुअली अभी यही ट्रेंड है, अभी ना हर कोई हर एक सेलिब्रिटी भी ना शादी में ये ऐसा वाइट ही पहनते हैं। अच्छा, मेहंदी पहनूंगी आज ही, मतलब वो इंस्टेंट वाला मेहंदी होता है ना जो पहनते हैं, एकदम इंस्टेंटली कलर हो जाता है ना, वही वाला पहनूंगी। देखो जो ठीक ठाक हो गया। हाँ दीदी, एकदम परफेक्ट कलर हो गया है। अभी भी मेरा फेस काला नहीं हुआ। सच बोलूं तो मेरे दांतों से भी ज्यादा सफेद तो मेरे फेस है। कहीं दीदी देख ना ले। अभी क्या लगा? ओ अच्छा, पाउडर लगा रहे हो दीदी? तो अभी हाथों के ऊपर चूना लेके, ओ सॉरी सॉरी, पाउडर लेके दीदी मेरे फेस पे लगा रही है। पता नहीं कौन सा पाउडर है, हो भी सकता है कि ये ब्लीचिंग पाउडर हो भी सकता है ये अच्छा वाला पाउडर हो, है ना गाइस? पाउडर से मेकअप अच्छा टाइम ज्यादा टाइम तक रहता है ना। हाँ। ज्यादा सफेद तो नहीं हो जाएगा ना दी? नहीं। बट दीदी बहुत अच्छे से मेरे फेस पे ऐसे लगा रही है जैसे कि देख के लग रहा है कि धूल उड़ रहा हो। नहीं, ये क्या पाउडर है? ये मेकअप का पाउडर है। कौन सी कंपनी का है? ओ अच्छा, ठीक है दी, अभी क्या लगाओगे? मैं तो कियारा आडवाणी बनने गई थी बट चुटकी बन गई। ब्लशर लगाने से क्या होता है दी? स्किन में ग्लो आता है। अच्छा, ग्लोइंग ग्लोइंग चुटकी दी, और नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया। क्या तूने सोचा था? दी इधर आओ एक बार, मुझे ना यही वाला लुक चाहिए, एकदम एग्जैक्टली यही वाला लुक चाहिए। अच्छा, आप करके दोगे ना? न्यूड लुक तो? हाँ, न्यूड लुक। अच्छा ठीक है। गाइस मैंने दीदी को दिखाया था कि मुझे कियारा आडवाणी वाला ही लुक चाहिए, पर दीदी को भी पता था कि मैं तो 2 रुपए की कियारा आडवाणी हूँ ना, इसीलिए न्यूड की जगह मेरी आंखों पे लगा दिया पिंक कलर। अभी क्या कलर होगी दी? न्यूड कलर ठीक है। गुलाबी आंखें, अगर किसी ने देख लिया तो उसको प्यार हो जाता, इसलिए दीदी ने सिल्वर कलर भी लगा दिया। अभी कौन सा कलर दोगे दी? हो गया। ठीक है दी, व्हाइट काजल क्यों लगा रहे हो? अच्छा लगेगा ना? मेरी आंखों को देखो गाइस, बस मेरी आंखों को देखो, मुझे इतना डर लग रहा था कि जान मैंने दीदी के हाथों पर रख दिया हो। कितनी प्यारी लग रही हो, देखो यार आई मेकअप हो गया, लग रही है ना कियारा आडवाणी जैसा। दी प्लीज ना, आप ना थोड़ा छोटा रखना आईलाइनर, ठीक है, ज्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि नहीं तो ना लुक के साथ नहीं जाएगा। झूठ नहीं बोलूंगी गाइस, आईलाइनर फिर भी दीदी ने ठीक ठाक लगाया था, मतलब उतना भी ज्यादा गंदा नहीं, मैंने तो सोचा था इससे भी ज्यादा गंदा होगा। अच्छा लग रहा है दी, लिपस्टिक लगाओ। ठीक है दी, क्या कलर लगाओगे? न्यूड कलर। अच्छा, ये टट्टी वाला कलर कब से न्यूड कलर बनने लग गया भाई? तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है दी, ये थोड़ा ब्राउन कलर लग रहा है ना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा म्यूट कर दो ना इसको। अभी क्या लगाओगे दी? मस्कारा। ठीक है, ये मस्कारा आंखों के अंदर घुसते बज गई मैं यार। ओ, 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 लग गया क्या? नहीं लगा। ठीक है। कजरा मोका कतवाला, अखियों में ऐसा डाला। दी आपने आईब्राउ नहीं किया? ठीक है, कर दो। और यहाँ पे देखो, ये पर्पल कलर का पेंसिल से दीदी मेरी आईब्राउज को कर रही है, फिर ये पर्पल कलर का पेंसिल का जो ढक्कन होता है ना, उसी से कॉम्ब भी कर दिया। कितना क्यूट, आई पर्पल यू दीदी। दी आप हाइलाइटर लगाओगे ना? हाइलाइटर यहाँ पे जो चमक। देख लो, इतनी ज्यादा गोरी हो गई हूँ मैं, ये सब
ने स्क्रीन लगा के क्या होगा, दीदी के पास आ जाओ, दीदी गोरी कर देगी। यार हाइलाइटर लगाने बोला था दीदी ने, पिंक कलर का क्या तो कुछ लगा लिया था, फिर उसी गलती को छुपाने के लिए उसके ऊपर से सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगा दिया। दीदी थोड़ा ज्यादा लग रहा है हाइलाइटर। ये देखो कैसे चोरी से लिपस्टिक से हमारा बिंदी लग रहा है। लिपस्टिक से बिंदी लगा रहे हो? गाइस यहाँ पे आप सिर्फ दीदी की जो कॉम्ब है ना उसी पे ध्यान दो, एकदम इतना प्रोफेशनल कॉम्ब आपने जिंदगी में कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा था इतना प्रोफेशनल कॉम्ब, मुझे लगता था सिर्फ मैं ही यूज करती हूँ। दी मैं ना ज्वेलरी लेके आई हूँ वहाँ पे है, आप मुझे पहना दोगे ना? ठीक है। यार पता नहीं कैसी लग रही हूँ मैं, बट ये ग्रीन कलर का ज्वेलरी पहन लूंगी तब तो मैं कियारा आडवाणी जैसी लगूंगी ना। बट ये क्या हुआ दी, ये यहाँ पे लगाओगे? दीदी ने तो इस पासे को भी एकदम मांग टीका जैसा मांग के अंदर लगा दिया, कितनी सुंदर लग रही हूँ। सच में दी? सच में? थैंक यू दी। वो दुपट्टा नहीं लगा के दोगे? वो दुपट्टा मैं लेके आई हूँ। सफेद दुपट्टा मेरे सर के पीछे नहीं मेरे फेस के सामने रखना था। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये बार तुम्हें तो बहुत बहुत लगता है। थैंक यू दी। ये किसकी है? You know the fuck it is, huh? ये किसका है साया? Goodbye, huh? तू ही दिल में दस्तक। गली गैंग, huh? यहाँ कौन है? तुम लोग चिल करेंगे अपन ड्रिंक करेंगे, huh? दी आपको फोन पे मैं पेमेंट कर दूं मैं? हाँ हाँ ठीक है। कितना पेमेंट करना पड़ेगा दी? 700। थोड़ा कम कर दो प्लीज, मैंने तो फॉल्स आईलैश भी नहीं लगाया आपसे, थोड़ा कम कर दो। 500 ले लो, फुल आप फुल 500 पेमेंट ले लो। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपसे मेकअप करवाऊंगी, ठीक है? मुझे कोई भी पूछेगा मैं आपका नंबर पक्का सबको दे दूंगी, ठीक है? मैं फोन पे मैं आपको पेमेंट कर दे रही हूँ, ठीक है दी? पेमेंट हो गया। अच्छा ठीक है। ओ अच्छा, नहीं मैं ना आपके लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ, इस बॉक्स में आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है? मेरे तरफ से आप ले लेना, मेरे शादी का गिफ्ट मेरे तरफ से। थैंक यू। वेलकम। ठीक है दी, फिर मैं चलती हूँ, फिर से आऊंगी हाँ आपके पास मेकअप कराने के लिए। अच्छा। वैसे अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ। थैंक यू। आंटी मैंने 500 रुपीज दे के ये वाला मेकअप कराया है, अच्छी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हूँ। अच्छा हुआ है दूल्हा मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा। दूल्हा ढूंढने के लिए निकली हूँ। बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो बंद करो अंकल। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। अच्छी लग रही हूँ? हाँ। सच में? हाँ। कोई मुझसे शादी करोगे? तुम में से तुम शादी करोगे मुझसे? हाँ, शादी करूँगा। शादी करोगे सच में? गाइस फाइनली मुझे मेरा दूल्हा मिल गया, कितना क्यूट है। तुम शादी करोगे? नहीं, नहीं? ये तो सख्त लौंडा निकला। तुम में से कोई तुम करोगे शादी? करोगे? हाँ बोला। इधर आओ इधर आओ। गाइस मेरे दो दो पति, ये देखो एक ये पति एक ये पति। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बोलो। हाँ। सबसे अच्छी सबसे? हाँ। सुंदर? हाँ। सबसे मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। सो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आज की वीडियो में मैं कैसी लग रही हूँ। पता नहीं मैं कियारा आडवाणी जैसी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, बट मुझे दो दो दूल्हा मिल गया। यार सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं मिला तो क्या हुआ? मेरा जो दो दूल्हा था ना वो सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी ज्यादा क्यूट था, है ना? बताओ। तो गाइज अगर आप देखना चाहते हो मतलब कियारा आडवाणी का लुक मैं बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर रिक्रिएट करूं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। क्या कर रहे हो यार, अभी तक लाइक क्यों नहीं किया? जल्दी से लाइक करो, बिल्कुल मुफ्त 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 है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।